एक कहानी है एक ऐसे मेडिकल कॉलेज की, जहां का एक सन की डॉक्टर अपनी रिसर्च के लिए जिंदा लोगों पर ही करता था एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक हादसे ने ले ली उसकी जान। आखिर क्या करना चाहता था वो डॉक्टर, क्या कोई उसकी शैतानी आत्मा को रोक पाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए एक सन की डॉक्टर की कहानी। ये पूरा वीडियो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम माहिरा को देखते हैं, जो एक भयानक सपने को देखकर उठ जाती है। और ये सपना उसे पहली बार नहीं कई बार आ चुका था, मानो ये सपना उसे कुछ कहना चाहता हो। जब माहिरा के माता पिता भी काफी परेशान थे, वहीं अगली सुबह हम माहिरा और उसके माता पिता को माहिरा को मेडिकल कॉलेज छोड़ते जाते हुए देखते हैं। पर उसके पिता को ये कॉलेज पसंद नहीं था और वो माहिरा को दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात करते हैं। पर माहिरा को तो उसी आरएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ना था, जहां उसके पिता कहते हैं ये मेडिकल कॉलेज कम कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है, पता नहीं यहाँ का हॉस्टल कैसा होगा। पर तभी माहिरा को ऐसा लगता है कि वो शायद इस कॉलेज में पहले भी आ चुकी है, और तभी वो एबिंग के पास आ जाती है जो कई सालों से बंद पड़ा था। और तभी माहिरा को कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं, उसे वही सब कुछ दिख रहा था जो वो अपने सपने में देखा करती थी। आखिर क्या कनेक्शन है माहिरा का इस एबिंग से, ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। और माहिरा बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी डर जाते हैं और तुरंत उसे होश में लाते हैं, जहां उसकी माँ कहती है कि बेटा चलो इस कबाड़ खाने से, तुम तो स्टेट टॉपर हो, तुम्हें तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। पर माहिरा नहीं मानती, भाई माहिरा आकर अपने रूममेट से मिलती है। जब माहिरा की माँ सिया से कहती है कि बेटा इसे रात को अजीब अजीब से सपने आते हैं और इसे नींद में चलने की भी आदत है, प्लीज बेटा इसका ध्यान रखना, जहां सिया कहती है कि माँ जी आप फिक्र मत करिए, अब मैं हूं ना इसका ध्यान रखने के लिए। और उसी रात जब दोनों खाना खाकर अपने रूम में वापस आते हैं, तो सिया पूछती है कि तुझे देखकर लगता नहीं है कि तुझे इतने बुरे बुरे सपने आते होंगे। जब माहिरा बताती है कि यार ये सपने मुझे बचपन से ही आते हैं, मुझे एक मेडिकल कॉलेज दिखता है और उसमें एक लैब जहाँ एक डॉक्टर जिंदा आदमी पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सिया कहती है कि माहिरा तेरी कहानी तो बिल्कुल इसी कॉलेज के एबिंग से मिलती जुलती है, मैंने आज ही सुना कि उस लैब में एक मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी की एक लैब थी और एक पागल सर्जन जिंदा लोगों पर अपना एक्सपेरिमेंट करता था। लोग तो ये भी कहते हैं कि उस डॉक्टर की आत्मा अभी भी उस एबिंग में भटकती है, कहते हैं कि उस लैब में आग लगने से वो सर्जन जलकर मर गया, लेकिन कुछ साल बाद वहाँ दो मेडिकल स्टूडेंट गए अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो दोनों की लाश अगली सुबह उस एबिंग में मिली और तब से वो एबिंग बंद है। और उसी रात जब दोनों सो रहे थे, तो माहिरा नींद में चलते चलते उसी एबिंग की तरफ जाने लगती है, जहां उसे एक सीनियर लड़की जाते हुए देख लेती है और वो उसकी रैगिंग लेने के इरादे से उसके पीछे पीछे एबिंग में चली जाती है। पर उस लड़की को माहिरा कहीं दिखाई नहीं देती, पर उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। और तभी उसे दूर खड़ी माहिरा दिखाई देती है, पर देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। और तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, और वो आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। और तभी उसे एक और दूसरी आत्मा दिखाई देती है और वो वहाँ से भागती है। जया काफी डर चुकी थी और ये सभी उन्हीं मरीजों की आत्मा थी जिन पर उस डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। वहीं जब सिया उठती है, उसे माहिरा दिखाई नहीं देती और वो कुछ स्टूडेंट्स और गार्ड्स को लेकर उसे ढूंढने लगती है। और तभी उन्हें दूर माहिरा आती हुई दिखाई देती है, जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। और तभी जया की बॉडी भी ऊपर से नीचे गिरती है, जिसे देखकर सभी काफी चौंक जाते हैं। वहीं जब पुलिस पूछताछ करती है और कहती है कि आप दोनों पर हमला किसने किया, तो माहिरा को कुछ याद नहीं था। जहां उसकी माँ बताती है कि सर मेरी बेटी को बुरे बुरे सपने आते हैं और उसे नींद में चलने की बीमारी भी है, और उस वक्त क्या होता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वहीं सिया माहिरा को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। और उसी रात जब दोनों एक गार्ड से जाकर पूछते हैं कि आपको कुछ पता है इस एबिंग के बारे में या उस डॉक्टर फारूक मिस्त्री के बारे में जो उस लैब में जलकर मरा था, पर वो गार्ड कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, इस बारे में आपको मेरे पिता ही बता सकते हैं, वो फारूक मिस्त्री के समय इस मेडिकल कॉलेज के गार्ड थे। और जब दोनों जाकर उनसे मिलती हैं, तो वो बताते हैं कि लाइब्रेरी में एक फाइल है, उसमें तुम्हें फारूक मिस्त्री से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। और जब दोनों लाइब्रेरी में जाकर फाइल ढूंढती है, तो उन्हें वो फाइल मिल जाती है जिसमें उस डॉक्टर की कुछ डिटेल्स थी, जिसमें वो डॉक्टर अकेले जलकर नहीं मरा था, उसके साथ उसकी बेटी भी जलकर मरी थी। भाई माहिरा के माता पिता माहिरा की बीमारी को लेकर
काफी परेशान थे और जब वो एक डॉक्टर से इस बारे में बात करते हैं तो वो बताते हैं कि माहिरा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ पकड़ में नहीं आ रहा जिससे उसकी बीमारी की असल वजह पकड़ में आ सके। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जब मेडिकल साइंस खत्म होता है वहीं से शुरू होती है आध्यात्म की दुनिया। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है, जिसके बाद सभी जाकर उन गुरुजी से मिलते हैं जो बताते हैं कि माहिरा के साथ हो रही घटनाएं उसके अतीत से जुड़ी हुई है। वो राज जो तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़े हैं, बस हमें अब उसका पता लगाना है। माहिरा, अब अपने मन को बिल्कुल शांत रखो, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दो और अब बताओ तुम क्या देख रही हो। जब माहिरा बताती है कीमो सेविंग में जा रही हूँ और लैब में डॉक्टर फारूक को देख रही हूँ जो एक जिंदा आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये क्या, उनके पास मैं अपने आप को भी देख पा रही हूँ पर मैं उन्हें पापा बोल रही हूँ, और मैं उन्हें उस आदमी पर एक्सपेरिमेंट ना करने के लिए बोल रही हूँ पर वो कह रहे हैं कि मैं अपनी रिसर्च के काफी करीब हूँ। ये आदमी आज नहीं तो कल मरने ही वाला है। ये आदमी अपनी कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। इसकी मौत दूसरों के लिए वरदान साबित होने वाली है। मैं कैंसर के ट्यूमर के इलाज के बिल्कुल करीब आ गया हूँ पर आयशा यानी कि उनकी बेटी उन्हें ऐसा करने से रोक रही है, और डॉक्टर फारूक ने आयशा को वहाँ से भगा दिया और आयशा ने वापस आकर उस लैब में पेट्रोल छिड़क दिया और कह रही है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को रोक दीजिए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए, पर डॉक्टर नहीं मान रहे और आयशा ने पूरी लैब में आग लगा दी और अब दोनों जल रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है कि मैं नहीं मर सकता, अपनी रिसर्च करने के लिए मैं वापस आऊंगा, और दोनों जलकर मर गए और उनके साथ वो आदमी भी। और माहिरा तड़पने लगती है और उसे तुरंत होश में लाया जाता है, और अब कहानी पूरी समझ आ चुकी थी कि आयशा का ही पुनर्जन्म माहिरा है और भाई उस फारूक की आत्मा को रोक सकती थी, पर उसके लिए डॉक्टर फारूक की आत्मा को माहिरा के शरीर में बुलाना होगा और गुरुजी उस आत्मा का आह्वान करते हैं और फारूक की आत्मा माहिरा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, मुझे मेरी रिसर्च को पूरा करना है। मैं गुरुजी उस आत्मा को कंट्रोल करके स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं और बांध देते हैं, और गुरुजी फारूक की आत्मा को माहिरा के शरीर से निकाल देते हैं, पर फारूक की आत्मा सिया के अंदर घुस जाती है और सिया उस सेविंग में जाकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर माहिरा कहती है, पापा छोड़ दीजिए सिया को, उसने कुछ नहीं किया, पर फारूक नहीं मानता, माहिरा के अंदर आ जाती है। तो माहिरा कहती है, जो चीज मुझसे शुरू हुई थी उसे मैं ही खत्म करूंगी, पापा आपको मेरे साथ जाना ही होगा, और माहिरा बिल्डिंग की छत से कूद जाती है और माहिरा खुद अपनी जान देकर फारूक की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को भी मुक्त कर देती है। और इसी के साथ हॉन्टेड मेडिकल कॉलेज का एक सन की डॉक्टर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।